तो भाई आज जो हम गाड़ी रिव्यू करने वाले हैं भाई, वो मोस्ट आइकॉनिक गाड़ी है भाई। ये है स्काउट भाई की भाई, फोर्ड मस्टैंग। मेरे पास कमेंट आया तो मैंने कहा इसका कर लेता हूँ भाई। देखो स्काउट भाई की है, अभी इम्पोर्ट करवाई थी ये भाई। मैंने कहा था मेरे को रिव्यू के लिए चाहिए, भाई ने कहा ले लो कोई नहीं। तो मेरे पास ये एक दिन के लिए है गाड़ी। सुबह के 10:30 बज रहे भाई, अभी उस प्लेन से आई है भाई ये गाड़ी है। तो इस गाड़ी के थोड़े स्पेक्स बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर तुम्हारा 8 सिलेंडर का वी शेप का V8 इंजन है इसके अंदर, जो कि क्या बोलते हैं 4951 इसका वो है, मतलब CC। तो मैं बताऊँ तो V8 नहीं है ये, V8 से कम वाला है। V8 फॉरन में आता है, जैसे अपने लॉस सैंटोस में V8 आता है। तो ये है वो, तो ये बेसिक वाला है। तो 396 इसकी हॉर्स पावर है और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है 515 है। तो भाई इंजन बड़ा है देखा जाए तो, GT लाइन का है, इसलिए तुम्हें जो स्ट्रिप दिख रही है इंजन के ऊपर उस पर GT लिख रखा है। भाई अंदर से देखोगे तो मतलब अब ये डिसकंटिन्यू हो गया है, तो मतलब थोड़ा पुराना लग सकता है। ये है पूरा सीन। डिग्गी भी ठीक है यार, इसकी देखा जाए तो काम आ जाती है। ये पैसेंजर साइड हो गया, वो अपना AC का हो गया। चलो भाई अब अंदर बैठते हैं, बहुत कर ली पागलपंती। चलो सब बंद कर लेते हैं एक बार। चलो ये अपनी गाड़ी है भाई फोर्ड की, जिसकी हेडलैम्प्स है। ओए होए होए, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है भाई, मतलब एस्पिरेटेड इंजन है। अभी चलाता हूँ थोड़ा सा, मतलब ये गाड़ी सुपर कार्स में नहीं आती, ये स्ट्रीट कार्स में आती है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब मसल कार्स में आती है बेसिकली, क्योंकि इनका आगे का जो बोनट है वो बहुत लंबा होता है, पीछे का थोड़ा छोटा होता है। तो गाड़ी क्या है, ये ड्रिफ्ट अच्छा मारती है, रियल व्हील ड्राइव है। जिनको रियल व्हील ड्राइव पर नहीं पता, इनके पीछे के टायर घूमते हैं, आगे की नहीं करते। देखो जैसे तो मैंने लैम्बोर्गिनी की बनाई थी, वो 4x4 थी, तो उससे क्या होता थोड़ा ड्रैग मिल जाता। तो ये गाड़ियाँ क्या है कि ये गाड़ियाँ मसल कार होती हैं, तो ये मतलब ये स्पीड धीरे पकड़ती है पर मजबूत होती हैं गाड़ियाँ, मतलब सालों साल चल जाती हैं, तो वही हिसाब है। तो ड्रिफ्ट अच्छी मारती है गाड़ियाँ, जैसे तुम देख रहे हो ये गाड़ियाँ ड्रिफ्ट बहुत अच्छी मारती हैं। एक बार इसका कर लेते हैं कि कितने तक टॉप स्पीड जाती है इसकी। 3, 2, 1 देखो टायर रगड़ा ना इसका, टायर बहुत रगड़ जाता है भाई इन गाड़ियों का। मतलब स्लो ही है, मेरे को पता था ये ज्यादा भगाने के लिए नहीं होती है ये गाड़ियां। अब मेरे को नहीं पता भाई स्काउट भाई ने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखी है, पर आवाज जो है ना इसकी बहुत प्यारी आवाज है भाई। ये देखो भाई ये इसका इंटीरियर है, तो सॉरी गन आ गई थी हाथ में, गन आ गई भाई गलती से। इसका इंटीरियर है भाई, 2 सीटर है, पीछे भी वैसे सीट है पर मतलब काम की नहीं है वो। 167 आगे घोड़ा है भाई, मतलब हैंडल पे घोड़ा है और उस पर मस्टैंग का यही है एंड लेबल है ये, और पीछे GT लाइन की वो है एम्बलम, और 2 एग्जॉस्ट है इसमें भाई, तुम्हें दिख रहा होगा जैसा। देखो आगे घोड़ा, हेडलाइट इसकी बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी हेडलाइट है, देख रहे हो। ये जो आवाज़ आ रही है ना भाई इसकी बहुत तगड़ी है। तो थोड़ा एयरपोर्ट से बाहर निकालते हैं इसको, एक दिन के लिए गाड़ी मिल रखी है भाई स्काउट भाई से, थोड़ा चलाते हैं इसको, आराम से चलाएंगे भाई, हमारी गाड़ी नहीं है ये गाड़ी। भाई ड्रिफ्ट बहुत जल्दी मार देती है, बहुत जल्दी, क्योंकि रियल व्हील ड्राइव है और इसका जो इंजन है वो आगे की साइड पे, आगे जो बोनट देख रहे हो, मसल कार्स का बोनट बहुत भारी होता है तो उसकी वजह से। अरे क्या बात भाई, फाटक खोल दिया आज, पता है क्या स्काउट भाई की गाड़ी है। सही है साले, हमारी गाड़ी को ले कभी नहीं खुलता, ये इज्जत ही नहीं है भाई हमारी गाड़ियों की। तो थोड़ा भगाएंगे इसको हाईवे पे लेके चलते हैं। देख रहे हो इंजन छोड़ते ही जो आवाज है ना, देखना भी देखना, देख रहे हो ये जो गैस की आवाज आ रही है ना भाई, ये बहुत सेक्सी लगती है यार। देख रहे हो मतलब बहुत प्यारी आवाज निकालती है ये गाड़ी। वो तो पता नहीं एग्जॉस्ट अपग्रेड करे नहीं करे, मेरे को नहीं पता। ओए होए होए भाई, येलो कलर में बहुत प्यारी लग रही है यार ये, मतलब वाइट बॉडी किट वगैरह नहीं लगा रखा जहाँ तक मेरे को है, लगाया होता तो और प्यारी लगती है गाड़ी। मसल कार है, मसल कार वाइट बॉडी किट्स के लिए ही बनी होती हैं।
भाई देख रहे हो, अलग से चमक रही है भाई पूरी गाड़ी, पूरी गाड़ी अलग से चमक रही है यार, इतनी प्यारी लग रही है ना। तो ये डिसकॉन्टिन्यू हो गई है, अभी इसका नया वर्जन आएगा, तो जब तक ले डिसकॉन्टिन्यू है गाड़ी तो हाँ, तो ये पुराना वर्जन ही उन्होंने सेकेंड हैंड लिया था भाई, पर जब भी बहुत प्यारा लग रहा है यार। और ऐसी गाड़ियाँ मतलब सेकेंड हैंड में भी अच्छी कंडीशन में ही होती है, क्योंकि भाई लेता वही है जिसके पास मतलब 70-80 लाख रुपए हो। तो हाँ देख रहे हो भाई, आवाज़ सुन रहे हो उसके एग्जॉस्ट की, बहुत प्यारी आवाज़ निकालती है यार ये गाड़ी, बहुत प्यारी आवाज़। इसको आज मैं दूसरी साइड से लेके जाऊंगा थोड़ा भाई, लाल बत्ती क्रॉस कर दी, बच गया, अच्छा हुआ। थोड़ा सा पेट्रोल भर देते इसमें पहले, यहाँ तो गाड़ियाँ लग रखी है, यहाँ लगा देता हूँ। बाप रे भाई, इस बंदे ने क्या लगा रखा है अपने इंजन के ऊपर भाई, लड़की है ये, इसके इंजन के इंटेक कितना तगड़ा लग रहा है यार भाई, बहुत सेक्सी गाड़ी। अरे अरे अरे, इसको चलानी नहीं आती भाई, ये गाड़ी में ठोक दियो रे पागल। भाई भाई मैं गाड़ी हटा लूँ यार, मैं बाद में भरवा दूंगा पेट्रोल, वैसे आधा भर गया है पेट्रोल। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई ये क्या कर रही है, पागल हो गई है यार, निकलो यहाँ से। लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस देता कौन है, मेरे को तो समझ में नहीं आती है। देख रहे हो भाई कैसे चमक रही है भाई, पुलिस वाला आ रहा है यार, इसके पीछे हो जाता हूँ, चालान कट जाता है इस लाइन के आगे जाओ तो। भाई उस लड़की की गाड़ी भी प्यारी लग रही थी बहुत, वो भी मसल का आ रही थी, पर वो ओल्ड जनरेशन है, वो पता नहीं कौन सा है, मेरे को नहीं पता। अरे यार बार बार में तो बत्ती होती है यहाँ पे, तो थोड़ा पहाड़ों पे चलाएंगे यार, क्योंकि शहर की गाड़ी नहीं है, थोड़ा पहाड़ों पे ना मज़ा आता है इसको चलाने में। ओ ये भी मसल का आ रहा है भाई, भाई बंदा तारीफ कर रहा है ये। अगर मेरी गाड़ी होती है, मैं इसमें वाइट बॉडी किट और थोड़ा मतलब मेरे को तो ब्लैक पसंद है, मैं ब्लैक में ही लगा के रखता हूँ गाड़ी को। धूप हो रही है भाई बहुत, चलो भाई यार बात बात है, बत्ती बत्ती बत्ती, मतलब इसका तुम अंदर से इंटीरियर देखोगे ना तो बहुत पुराना सा लगेगा, क्योंकि ये गाड़ी मैंने जैसे बताया कि 2019 या 2018 की है, मेरे को ढंग से मॉडल याद नहीं है, ये इसने ट्रक कैसे फंसा रखा है यार, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं यहाँ से काट लेता हूँ, यहाँ से भी रास्ता आता है। अंधेरे में कैसे चमक रहे यार इसके डायल, निकल जाएगी, हाँ निकल गई भाई, मतलब डाइल्स देख रहे हो कितने सही लग रहे हैं यार इसके, शायद 260 इसकी टॉप स्पीड है, मेरे को नहीं पता इसकी टॉप स्पीड कितनी है। वैसे जो मसल्स कार होती है वो टॉप स्पीड के लिए बनी भी नहीं होती है, वो होती है कि मसल्स कार में ड्रैग बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गाड़ियाँ उसके हिसाब से ही बनी होती हैं। मतलब दो जने बैठ सकते हैं पीछे, तो भाई मतलब मान के चल लो ना के बराबर है, कुछ बैग वगैरह रखना हो तो है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते पीछे का तो। पर भाई आगे का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, ये जिस स्पीड वगैरह दिख रहे हैं ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, भाई बहुत तगड़ा लग रहा है, रोकनी नहीं है मेरे को। यार अब नहीं कर रहा मैं, बच गया, ओ भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी देखा जाए ना, लोग कहते हैं कि अच्छी है, और मैंने चला के देखी तो नॉर्मल कार जितनी ही रहती है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, होंडा सिटी जैसी, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब देखा जाए तो इंडिया में 70-80 लाख की गाड़ी आती है, पर ग्राउंड क्लियरेंस प्यारी है भाई बहुत, कुछ भी कहो तो। हाँ फक, यहाँ तो पार्किंग है, मोड़ लेता हूँ यहाँ से, फोन पे लग रखी है भाई पागल लड़की, भाई यहाँ रुकना है ना मेरे को, ये वैसे जेब्रा क्रॉसिंग है, मेरे को पीछे रुकना चाहिए था थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। ये कौन सी गाड़ी आ रही है पीछे, पीछे भी प्यारी गाड़ी है यार, ये ऑस्टन मार्टिन लग रही है मेरे को, मतलब महंगा है ये, यहाँ पर महंगा है, शहर महंगा है, जो जहाँ से हम आए ना अभी एयरपोर्ट के, वहाँ से वहाँ थोड़े मतलब मिडिल क्लास लोग रहते हैं मेरे जैसे, यहाँ अमीर लोग हैं भाई। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है यार, बस 10:42 हो गए, तो वो 10 मिनट ही थे, पीछे बस भी आ गई। गाड़ी देखो तुम भाई की, ये देख रहे हो, आ हा हा,
देख रहा देख रहा देख रहा आ ये अरे अच्छा सॉरी 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 जा रहा हूँ पर यूएफओ की आवाज़ आ रही है। अच्छा यहाँ यूएफओ ओके दुकान है ना यूएफओ की। मेरे को ऊपर को जाना है, ऊपर से जाके थोड़ा पहाड़ों में इसको चला के देखेंगे भाई कि कैसे चलती है, पता लग जाएगा। पीछे बस भी आ गई। ओए ठोके मत ओए पागल इंसान। आवाज़ देखो यार इसकी साइलेंसर की, एग्जॉस्ट कितना तगड़ा है यार इस गाड़ी का। मेरे को लग रहा है भाई ने बोरला बोरला ना लगाया हो। चलो हम सीधा ऊपर ही चलते हैं। आ भाई भाई इंडिकेटर तो दे लो सर। भाई कुछ नहीं देना भाई, ऐसी भगा लो बस पागलों की तरह। ये जो आगे गाड़ी जा रही है इसका पिकअप भी बहुत तगड़ा है यार। उई बाप रे कैसे चला रहा है यहाँ पर। मेरा एक घर था यार, मैंने यहाँ पर एक घर खरीदा था, पता नहीं कौन सा वाला था, भूल गया मैं। थैंक गॉड भाई चले गया। सॉरी सॉरी घर है ये। मेरे को ये गंदी बात लगती है यार, 70-80 लाख की गाड़ी में ये जो है ना ये ऊपर करने वाले, ये बड़े बेकार लगता है। ये हैंडल जैसे पुरानी गाड़ी में नहीं आता था हैंडल को लॉक करने के लिए। भाई मेरे को था यार कि अब मैंने ऐसा करूँगा, थोड़ा यूट्यूबर जितने हैं ना अपने इंडिया में उनकी गाड़ी रिव्यू करूँगा यार, क्योंकि उनकी गाड़ी रिव्यू करना भी सही है ना भाई। कुछ हुआ तो नहीं ना थैंक गॉड। मस्टैंग की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है भाई। अच्छा मतलब टाइम पे ब्रेक मार दी थी, ब्रेक इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है मैंने सुना है। मैंने ब्रेक मारी भाई रुकी नहीं गाड़ी, पर चलो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है क्योंकि मसल कार है। मसल कार का मतलब तुम्हें पता ही लग रहा होगा, मसल है तो भाई मतलब रुकनी चाहिए और रुकती भी है। भाई देख रहे हो जैसी मैं एक्सीलेटर छोड़ूंगा ना, जब आवाज़ सुनना तुम अभी देखना, तुम आवाज़ सुनना, ये देखो अभी सुनना, ये देखो सुन रहे हो। अभी तो स्पीड में नहीं है ना, स्पीड में होंगे ना जब। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई रेस वेस हो रही है गाड़ियों की? छोड़ो भाई हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी होती है ना मैं भी रेस को कुदा देता, पर अपने पास अपनी नहीं है भाई। मजा है यार ऐसी गाड़ी हो पहाड़ हो। अब सुनो आवाज़, सुन रहे हो तो बहुत प्यारी आवाज़। अरे ये क्या कर रखा है, कहाँ को जाना था मेरे को, नीचे जाना है ना मेरे को। चलो भाई इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे अभी, वैसे हमने कर ली थी 200 भी मुश्किल से छू रही है। दूसरे की गाड़ी है यार मैं इसलिए भगा नहीं सकता हूँ, मेरी लैम्बोर्गिनी आई थी कल मैंने भगाई थी बहुत कुत्तों की तरह, पर दूसरे की गाड़ी है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई बोलते ही कल्याण हो गया। यार ध्यान से चलानी पड़ेगी ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। बाय गॉड कहाँ को जाना है। ये गाड़ी ना यार हैंडलिंग में अच्छी है पर ब्रेक नहीं लगाती है ढंग से। अब चलो ठीक है यार मेरी भी गलती थी, मेरे को थोड़ा जल्दी रुक जाना चाहिए था। देख रहे हो ये जो अभी देखना जब ये गियर चेंज करेगा ना, ये देख रहे हो भाई जो आवाज़ आती है ना यार, ये मस्त आवाज है। मेरे को मेन हाईवे पे जाना है यार, रास्ता कहाँ से है हाईवे का, आगे से मिलेगी रोड हाईवे पे। ये मैं अंदर अंदर से आ गया यार। यार इसमें पेट्रोल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, वो लड़की की पागल लड़की की वजह से मैंने पेट्रोल नहीं भरा था यार इसमें ज़्यादा। नीचे है हाईवे तो ये तो मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, मेरे को वापस गाँव की तरफ जाना है यार। थोड़ा यहीं से काटनी पड़ेगी गाड़ी। यहाँ से काट के वहाँ से नीचे को ले लूँगा।
मौसम सही हो रहा है यार, 10:48 हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं बीत रहा यार, धीरे धीरे बीत रहा है ना, नहीं क्या सीन है, पागल लोग है भाई यहाँ पे, कभी भी ठोक देते हैं। वो वहाँ पर कसीनो है, एक कसीनो है, तुम लोगों को पता ही होगा, इतने GTA की वीडियोस में देख ही लिया होगा तुम लोगों ने। चलो भाई अब भगाएंगे गाड़ी को, इतनी भगा पाएंगे, आराम से भगाएंगे पाइप पर, देखते कितना जाती है टॉप हाईवे पे। आज जाम लग रहा है यार ऐसे, यार मतलब देखा जाए तो इसका पिकअप उतना सही नहीं है, मेरे को लगता नहीं भाई ने मॉडिफाइड कराई है, थोड़ी सी कराई होगी पर ज़्यादा नहीं कराई। STO का, या तो मैंने STO चलाई थी ना उस दिन, तो STO के सामने धीरे है ये, और ऑब्वियस है यार वो मतलब हाइपर कार है और ये मसल कार है, तो थोड़ा अंतर रहता है। 183, 184, 188, देखते कितना जाती है हाईएस्ट, मेरे को लगता नहीं ज़्यादा जाएगी, 200 छू जाए भाई मेरे लिए तो बहुत है 200। भाई आगे जो डायल चमक रहे हैं ना इसके, भाई पता नहीं कितना छुआ, थोड़ा बहुत तो छू ही दिया होगा। देखते कितना छूते दोबारा, अब मैं नज़र भाई रखूँगा उस पर, मेरे हिसाब से 190 के करीब कुछ गई थी अभी, पता नहीं मेरे को। यार अचानक से कहीं से गाड़ी आ जाती है ना यार, जब ठुक जाता हूँ मैं, मेरे STO में भी यही हुआ था भाई, अचानक से गाड़ी आ जाएगी 197, 198, 200 पार हो गई, 203, कम ऑन, मस्टैंग देखते हैं कितना है भाई तेरे में, 205, 212, 213, 215, अभी हम ढलान पे है शायद इसलिए स्पीड बढ़ गई, फक स्पीड घट गई सीधा यार। भाई क्या स्पीड में जा रहे हैं हम, 202, 200, हाँ वो ढलान थी यार इसलिए हम मतलब जल्दी बढ़ गए थे, मेरे को नहीं लगता इससे तेज जाएगी ये, 210 होगी इसकी हाईएस्ट मरमरा के जहाँ तक है। चलो भाई अब धीरे कर लेते हैं, भाई देख रहा हूँ ये आवाज़ कर रहा मैं, इतनी प्यारी आवाज़ निकालती है यार ये गाड़ी, भाई सेक्सी आवाज़। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है भाई गाड़ी का, मैंने पिछली बार STO की भी यहीं से फिलिंग कराई थी, इसकी भी यहीं से फिलिंग करा लेते हैं। चलो भाई, अरे हाँ ये बताना भूल गया भाई, इसमें फ्रेमलेस डोर है, मतलब जैसे नॉर्मल गाड़ी में होता है ना, इसमें बस शीशा होता है, शीशा नीचे हो जाएगा ना अभी तो तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा ये विंडो का, तुम्हें करके दिखाता हूँ, मेरे को देखना, विंडोज पे गए, ओपन हो गया, अब देखो तुम, देख रहे हो मतलब भाई साहब सेक्सी है ना भाई, देख रहे हो बस भाई ऊपर का कुछ है ही नहीं फ्रेम, बस दरवाज़ा दरवाज़ा है। पेट्रोल भर देते हैं गाड़ी में, ना भर जाएगा, आप अपने आप में ज़रा कुछ काम करके आता हूँ। यहाँ पर एक बंदा था यार, मेरे को उससे बात करनी थी, कहाँ गया, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ भाई, बहुत गर्मी हो रही है आज, बहुत गर्मी, भाई गाड़ी शाम तक वापस भी करनी है यार। चलो भाई कोल्ड ड्रिंक पी ली, चल भाई चल चल निकल निकल, पीछे कोई बंदा गाड़ी खड़ी करके चले गया अपनी, अब देखो भाई तुम गाड़ी, ओह वाओ बाइक खड़ी है यार, हायाबुसा खड़ी है किसी की, वाओ। थोड़ा लंबे रूट से जाएंगे हम ना, अभी वहाँ पीछे की साइड हो जाएंगे थोड़ा, ओशन के साइड पे। ओ भाई बाइकर गैंग जा रहा है यार, इनसे नहीं लड़ना चाहिए पता है, इनके साइड से निकल लो भाई, ये गोली मारना स्टार्ट कर देते सीधा भाई, इनसे बहुत डर लगता है बाइकर। अपने को क्या, अपने को तो बस गाड़ी चलानी है मजे में। यहाँ पर ही पेट्रोल पंप था वैसे बड़ा वाला,
अरे पहाड़ हमेशा अच्छा लगता है भाई। जो अगली वीडियो बनाऊंगा ना वो बनाऊंगा रैंगलर पे बनाएंगे अगली वीडियो, जीप की रैंगलर पे पहाड़ पे चढ़ाएंगे भाई उसको। मतलब रुक जाती है यार गाड़ी टाइम पे। जरा यार उस पर जाना है, पार्किंग कहाँ है, पार्किंग कहाँ है, ये चलो भाई शाम को ये गाड़ी भी वापस करनी है, अभी यहीं छोड़ देते हैं इसको। मेरे को ज़रा काम है यहाँ पे, यहाँ पर भाई मेरा एक दोस्त है वो यहाँ पर एडमिट हो रखा है तो मेरे को उससे थोड़ी बात करनी है। तो गाइज आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना, और अभी और यूट्यूबर्स की भी वीडियो डालेंगे भाई। और अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।